राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वाधान में शुरू हुई गंगा संवाद यात्रा पहुंची उन्नाव। जिला के विकास खंड सिकंदर सरोगी के अंतिम गांव बस्तना ग्राम में पहुंची। ग्राम के लोगों को संबोधित करते हुए केन गोविंदाचार्य जी ने कहा, घरेलू कचरा थोड़ा बहुत गंगा जी में लोग बहा देते हैं, अवैध बालू का खनन भी किया जाता है, तीसरा शहरी नालों का गंगा में गिराया जाना। एसटीपी बनने के बावजूद भी शहरी नालों का गंदा पानी गंगा जी में गिराया जा रहा है, जो गंगा के लिए प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा है। तांबे प्रसिद्ध औद्योगिक कचरे के कारण गंगा जी और अन्य नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। संवाद यात्रा परियर पहुंचने पर श्री केन गोविंदाचार्य जी और यात्रियों का स्वागत सदर उन्नाव विधायक पंकज गुप्ता, हरिनारायण पांडे, अरुण कुमार, वीरेंद्र मिश, बसदाना ग्राम प्रधान रजनीश विमल, पत्रकार कुलदीप त्रिपाठी, विकास अवस्थी ने फूलमालाओं से किया। केन गोविंदाचार्य जी और गंगा यात्रा के सहयात्रियों का स्वागत फूलमालाओं से किया गया। प्राचीन श्री बाबा बलखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करने के बाद यात्रा जोड़ा पूर्वा, बहरोला गांव, पतियारा, मक्कापुर, रामपुर, वर्धना गांव, हाजीपुर, राजपूत, नहमतपुर गांव, जमालपुर, नरोदा गांव, परियर में रात्रि विश्राम के लिए रुका। प्रतीक दीक्षित का बागरमऊ से परियर तक रूपरेखा में अहम योगदान रहा। गंगा संवाद यात्रा के सहयोगी वासुदेवाचार्य, जीव कांझा, राष्ट्रीय संयोजक नदी संवाद, सचिन कुमार गुप्ता, संजय शर्मा, विवेक त्यागी, मधुसूदन, कृष्णवीर सिंह, अजय सिंह, उज्ज्वल कुमार, तरुण मंजूसा, ललिता देवी आदि रहे।